नमस्कार दोस्तों साथियों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज से 1 जुलाई से पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला किया है कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश में बैन लग जाएगा। अगर आज से 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई क्या डेट है, 1 जुलाई 2022 से अगर अगर आप हम लोग अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का अगर यूज करेंगे तो हम लोग को जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके लिए अगर जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं अगर हम लोग ठीक से चेते तो हम लोग को सजा भी हो सकता है। तो अभी ये भारत सरकार का फैसला है कि 1,000 ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरा बैन लगाया जाएगा। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, तो देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक वही होता है जिसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, फिर दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे कौन कौन सा आइटम, फिलहाल अभी भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक का 19 आइटम पर बैन लगाया है। तो ये है ना, ये फैसला है भारत सरकार ने किया है कि फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक में 19 आइटम पर बैन लगाया है। अगर अगर इसमें सफलता मिलती है तो फिर आगे आगे भी कुछ और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का आइटम इसमें शामिल किया जा सकता है। तो देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक का समझ गया मतलब कि ऐसा प्लास्टिक जिसका हम लोग है ना एक बार इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो दोबारा यूज नहीं कर सकते ये माने कि एक बार ऐसा प्लास्टिक जिसका हम लोग एक बार यूज करते हैं, एक बार यूज करने के बाद इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो दोबारा जब हम लोग यूज नहीं कर सकते तो वो है ना धीरे धीरे कचरे के रूप में जमा होने लगता है, क्योंकि उसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो जब वो रिसाइकिल नहीं होगा तो वो कचरे के ढेर में जमा होता जाएगा। तो जिससे काफ़ी इन्वायरमेंट को काफ़ी खतरा होता है, पोल्यूशन होता है, उससे पोल्यूशन होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यानी कि ये पूरे है ना सो नेचर को काफ़ी वो उससे क्षति पहुँचती है, उसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है। तो ये है ना नेचर को इससे काफ़ी, प्रकृति को इससे काफ़ी नुकसान होता है, पोल्यूशन होता है और ये कचरे के ढेर में जमा होता है और इसको हम ये जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता है। जैसे कोई लकड़ी का चीज़, कागज़ का आइटम, ये सब डिकम्पोज होता है, लेकिन इसको डिकम्पोज होने में 500 से लेके 1000 साल तक लगता है। जैसे कि प्लास्टिक का बोतल है, तो प्लास्टिक का बोतल को हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, फिर वो डिकम्पोज होने में उसको 500 से 1000 साल लगता है। तो ये इससे इन्वायरमेंट नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इससे काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन होता है, कचरे का ढेर होता है। और सिंगल यूज पर प्लास्टिक है, इसका कभी इसका तो रिसाइकिल भी नहीं हो सकता। तो देखिए अभी भारत सरकार ने 19 आइटम पर जो है ना जो बैन लगाया है उसका हम लोग नाम जानते हैं। देखिए अभी जो 19 सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है 19 आइटम का, इसमें प्लास्टिक का प्लेट, अब प्लास्टिक का प्लेट हुआ या थर्मोकॉल, आजकल थर्मोकॉल का जो प्लेट होता है, फोम वाला प्लेट होता है, थर्मोकॉल, इस सब पर भी बैन लग गया है। प्लास्टिक का प्लेट हुआ या थर्मोकॉल जो है ना सो फोम वाला प्लेट, ये सब होता है, कप होता है, तो इस सब पर बैन लग गया है। प्लास्टिक का प्लेट हुआ, प्लास्टिक का कप में जब हम लोग चाय पीते हैं या पानी पीते हैं तो उस पर बैन लग गया है। प्लास्टिक का ग्लास, यानी कि प्लास्टिक का ग्लास हुआ, प्लास्टिक का फॉर्क है ना चम्मच, ये कांटा हुआ जो फॉर्क होता है, प्लास्टिक का कांटा, चम्मच वाला कांटा हुआ, प्लास्टिक का चम्मच हुआ, प्लास्टिक का चाकू, ये केक काटते हैं ना प्लास्टिक के चाकू से, इस सब पर बैंड लग गया है। केक है ना, स्ट्रॉ ट्रे होता है प्लास्टिक का, आजकल तो फैशन चल गया प्लास्टिक का ट्रे होता है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ, तो इस सब पर भी बैंड लग गया है। फिर प्लास्टिक का ईयरबड्स, ये कान में गूंज निकालने के लिए प्लास्टिक का जो ईयरबड होता है ना, जो प्लास्टिक होता है उसमें प्लास्टिक का ईयरबड जो होता है जिसमें ना सो आगे में रुई लगा जाता है, लेकिन उसका स्टिक होता है ना सो प्लास्टिक का होता है, तो ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसको भी सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है, इसका रिसाइकिल नहीं होता है, तो इसलिए इस पर भी बैन लग गया है। जैसे प्लास्टिक का झंडा, आजकल प्लास्टिक का झंडा चल गया, हम लोग बच्चा में स्कूल में जाते थे तो कागज़ का ही झंडा होता था, लेकिन आजकल प्लास्टिक का झंडा निकल गया है, तो ये भी इसका भी रिसाइकिल नहीं होता, तो इससे भी पॉल्यूशन होता है। फिर है ना बैलून, आजकल ये जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा जो है ना बच्चा लोग खेलता है बैलून ये सब, तो उसमें भी प्लास्टिक का स्टिक रहता है, तो ये भी है ना, पहले हम लोग जब आज से 15-20 साल पहले जब बच्चा थे तो उसमें होता था धागा लगा रहता था बैलून में जो है ना, तो गुब्बारा में धागा लगा रहता था, लेकिन आजकल है ना वो गुब्बारा इस समय क्या होता है, प्लास्टिक का स्टिक, तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसका भी रिसाइकिल नहीं होता, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है।
जल्दी डिकम्पोज ही नहीं होता है, 500 साल 400 साल 600 साल लगता है डिकम्पोज होने में। फिर है ना कैंडी स्टिक, आप टॉफी लॉलीपॉप ही सब खाते हैं तो उसमें स्टिक रहता है, तो वो भी है ना सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है, इसका भी रिसाइकिल नहीं हो पाता। कैंडी स्टिक हुआ, आइसक्रीम स्टिक हुआ, आइसक्रीम ट्रे हुआ, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, रिसाइकिल नहीं होता है। फिर है ना मिठाई को पैक करने वाला, आजकल मिठाई ये सब जो सामान होता है खाने का सामान या मिठाई ये सब होता है, इसको इस सब को भी पैक करने के लिए प्लास्टिक का थिन फिल्म आता है, उससे ना पूरा पैक किया जाता है, तो ये भी है ना सिंगल यूज प्लास्टिक है, और इससे भी काफ़ी इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, जल्दी डिग्रेडेशन नहीं होता है, और यह है ना सो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसका रिसाइकिल नहीं होता। तो आप समझ गए, ऐसा अनेक आइटम जैसे कि दूध, अब दूध है ना प्लास्टिक के थैली में लोग दूध मिलता है, दूध जो अब है ना सो आप जाते हैं अमूल डेयरी पर या कहीं भी, तो प्लास्टिक में ही के ना थैली में दूध मिलता है, तो ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, 500 साल में डिकम्पोज होगा तो कितना इसके इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। अब देखिए यही प्लास्टिक सब है ना कचरा जमा हो जाता है तो खेत में पड़ा रहता है, समुद्र के किनारे जाइए तो पड़ा रहेगा, नदी में ढेर को प्लास्टिक का कचरा फेंक दिया जाता है, तो इससे ना सो पूरा जीव जंतु तो मछली ये सब ये जलीय जीव जंतु ये सबको भी काफ़ी नुकसान होता है। अब देखिए प्लास्टिक का क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा के रूप में हो गया, इसको नदी नाला तालाब में समुद्र में फेंक दिया, अब समुद्री जीव सबको खा लेता है तो उसके बाद क्या उसको नुकसान होता है, उसको बीमारी हो जाता है। अब मछली ये सब है जलीय जीव ये सब खा लिया खाने के बाद है ना क्या होता है, धीरे धीरे वो तो पेट में चला जाता है, फिर आदमी क्या बीमार हो जाती है, मर जाती है। अब इसके कारण कैंसर भी होता है, खेत में पड़ा रहता है तो ये है ना धीरे धीरे हमारे अन्न में भी मिलता है, अन्न में फिर हम लोग अन्न खाते हैं। अब जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है खेत में फेंक दिया, खेत में पड़ा उसी में है ना रह गया, तो धीरे धीरे हम वहाँ पर जो अन्न ये सब उपजता है अनाज तो उसमें भी चला जाता है, फिर हम लोग आदमी खाता है इंसान खाता है तो ये आदमी के शरीर में भी आता है, तो इससे कैंसर होता है। तो आप समझे ना, अब गाय है, देखिए गाय है, जानवर है, भैंस है, ये सब है, रास्ता में चल रहा है, कचरा प्लास्टिक का पॉलीथीन में खाना रखा हुआ है, खाना के साथ कूड़ा कचरा के साथ प्लास्टिक भी खा लेती है, तो उससे क्या गाय को भैंस को जानवर ही सब को क्या कैंसर होता है, आंत का बीमारी हो जाता है और मर जाता है। अब मछली व्हेल मछली खा लेती है, शार्क मछली खा लेती है, सब नदी का मछली ये सब खा लेता है तो क्या उसको बीमारी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लीवर का बीमारी हो जाता है, मर जाता है। तो ये देखिए कितना जीव जंतु भी इससे मर रहा है, प्लास्टिक से के कारण मर रहा है। कोई कोई पक्षी है, अभी पता चला कि कोई पक्षी समुद्री पक्षी है ना सो ये प्लास्टिक है ना कहीं पर समुद्र के किनारे मर गया था, मरा पड़ा था और उसके पेट में ना प्लास्टिक का कचरा था, तो ये समुद्री पक्षी ये सब जब खा लेता है कीवी अब कीवी है वो खा लिया अब मर गया, खा लिया उसको बीमारी हो गया मर गया, तो ये कीवी खा लेता है, समुद्री पक्षी ये सब ना समुद्र के किनारे मरा रहता है, मरा उसका जो हड्डी स्केल्टन ये सब रहता है उसमें प्लास्टिक ये सब पाया जाता है, तो क्या ये सब खाने से उसको क्या आंत का बीमारी हो जाता है, मर जाता है पशु पक्षी, इसको पूरा नेचर को इससे काफ़ी दिक्कत होता है। और यही खेत उत में इन्वायरमेंट हमारे आसपास ये जो होता है तो धीरे धीरे हम लोग जो अन्न उपजाते हैं उसमें आ जाता है, फिर अन्न जब हम लोग खाते हैं तो ये अभी पूरे रिसर्च में पाया गया है कि आदमी के ब्लड स्ट्रीम में प्लास्टिक पाया गया है, यानी कि अभी वेन में रिसर्च में पूरा हुआ है तो उसे पाया गया कि आदमी के ब्लड स्ट्रीम में प्लास्टिक पाया गया, यानी कि हार्ट के ब्लॉकेज में भी प्लास्टिक पाया गया, तो इतना खतरा है कि आदमी को भी इससे कैंसर होता है, हेडेक का बीमारी होता है, लीवर का बीमारी होता है, आँख का प्रॉब्लम होता है, तो इतना ये है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो बैन लगाई बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का, और भारत सरकार ने बोला है कि 2022 से अगर कोई प्लास्टिक बनाता है या बेचता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का अगर प्लास्टिक बनाएगा बेचेगा उसको स्टोर करेगा उसका इस्तेमाल करेगा उसको स्टोर करेगा उसका एक्सपोर्ट करेगा या उसका जमा करेगा तो उस पर गंभीर जुर्माना रहेगा, जुर्माना तो लगेगा ही, अगर वो है ना सो अगर जुर्माना तो लगेगा तो सिंपल केस में जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर प्लास्टिक का सामान बेचते हुए पाया गया, प्लास्टिक का कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है तो उसको गंभीर सजा भी होगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, 5 साल 6 साल 7 साल तक की सजा होता है। अगर कोई भी अगर है ना सो सिंगल यूज या थर्मोकोल इस पर भी बैन लग गया और कोई भी अगर इसका बेचते हुए पाया गया उत्पादन करते हुए पाया गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, 5 साल से 7 साल तक की सजा होगी, जेल में कोर्ट से उसको सजा होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बेच रहा था बना रहा था निर्माण कर रहा था, तो उसको जेल जाना पड़ेगा, 5 साल से 7 साल की सजा होगी, काफ़ी जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये हो गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक है ना सो इस पर पूरा बैन लगाने का बहुत ही साहसिक कदम है, ऐसे नेचर बहुत होगा, हेल्थ हजार्ड होता है, आदमी को कैंसर हो जाता है, गाय पशु पक्षी चिड़िया सब इससे प्रभावित है,
तो देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार यूज कीजिए उसका फिर फेंक दीजिए, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये जल्दी रिसाइकिल नहीं होता है। अब देखिए टॉफी जो खाते हैं कैंडी, तो उसमें जो स्टिक रहता है उसको खाया चूसा फेंक दिया लॉलीपॉप, अब इसका रिसाइकिल कैसे होगा? रिसाइकिल तो हो नहीं सकता है। तो देखिए कितना गंभीर खतरा है, इसका रिसाइकिल नहीं होता, नेचर में इसी से पड़ा गया पूरा ये सिंगल यूज प्लास्टिक से जमीन की धरती की उर्वरा शक्ति पूरा नष्ट हो जाती है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, जमीन में पड़ा पड़ा रहता है तो खेती को इससे नुकसान हो रहा है, जल्दी डिकम्पोज नहीं हुआ तो खेती को तो नुकसान होगा, कचरा पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड सॉइल पोल्यूशन होता है, इससे पूरा बीमारी होता है, कैंसर जैसा बीमारी। तो ये बहुत ही साहसिक कदम है, और सबसे पहले है ना बांग्लादेश ही ऐसा देश था जो है ना प्लास्टिक का ना सो ये थीन बैग पर प्लास्टिक के जो बैग पर बैन लगाया था, अब धीरे धीरे और भी देश सब लगा रहा है, चाइना लगाया, न्यूजीलैंड लगाया, भारत सरकार भी इस पर बैन लगाने जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। आप है ना प्लास्टिक की जगह पर आप है ना सो और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए खतरा नहीं है, अब जैसे कि प्लास्टिक का बैग यूज करते हैं तो उसके जगह पर हम लोग जूट का बैग यूज करेंगे, कॉटन का बैग यूज करेंगे, तो कॉटन का बैग जब यूज करेंगे, जूट का बैग या कागज़ का लिफाफ अगर यूज करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट को खतरा नहीं है और किसान को भी फायदा है। अगर हम लोग जूट का इस्तेमाल करेंगे तो है ना क्या इससे ये जो पैसा जाएगा अंत में किसानों के पास जाएगा तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा। अगर हम लोग कॉटन का बैग इस्तेमाल करेंगे तो ये भी अंत में किसानों के पास जाएगा ये पैसा, तो उससे भी है ना उसका किसान का भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा। तो देखिए इससे है ना हम लोग है ना अगर कागज़ का बैग ये सब यूज कर सकते हैं, लिफाफा ये सब, तो इससे भी है ना सो नेचर भी अच्छा होगा और ये है ना सो किसान जो बनाते हैं उन सबको भी फायदा होगा। फिर है ना हम लोग ना कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के कप में हम लोग चाय पीते हैं, प्लास्टिक के कप में जब चाय पीते हैं तो इससे तो नुकसान है पूरे नेचर को, लेकिन इसके जगह पर हम लोग कूलर हम लोग अगर इस्तेमाल किया, जैसे ट्रेन में जाता है प्लास्टिक के कप में चाय पी लिया तो उससे क्या होता है पूरा रेलवे लाइन का है ना पूरा इन्वायरमेंट पूरा नेचर खराब हो गया, और वहीं पर कूलर का अगर इस्तेमाल किया तो कूलर क्या पिया फेंक दिया तो फेंके वो तो मिट्टी का बनता है तो उससे नेचर को उतना नुकसान नहीं है, उसका डिग्रेडेशन पूरा डिग्रेड यानी कि कूलर है ना जो मिट्टी का बना रहता है तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है आसानी से, तो ये उससे नेचर को कोई नुकसान नहीं है कूलर में चाय पीना। या फिर आप है ना सो स्टिक सब आता है आजकल, लकड़ी का स्टिक आ गया, बैम्बो स्टिक आया, आप है ना सो प्लास्टिक का जो चम्मच यूज करते हैं फॉर्क उसके जगह पर है ना लकड़ी का चम्मच यूज कर सकते हैं, लकड़ी का कांटा ये जो कैंडी स्टिक में ये सब में है ना सो बांस का स्टिक बैम्बो स्टिक ये सब यूज कर सकते हैं टॉफी में, या जहाँ पर है ना सो प्लास्टिक का स्टिक यूज होता है वहाँ पर आप बैम्बो का स्टिक यूज कीजिए, लकड़ी का स्टिक यूज कीजिए, लकड़ी का चम्मच आप है ना सो ये भोजपत्र में आज खाना खाइए, थर्मोकोल में खाते हैं, प्लास्टिक के प्लेट में जो ये खाना खाते हैं भोज ये समय पार्टी फंक्शन में, उसमें आप भोज पत्र ये समय का बना पत्ता का बना जो बर्तन होता है उसमें खाना खाइए, केले के पत्ते में खाइए, हमारा वैदिक दर्शन है सनातन धर्म में लोग केला के पत्ते पर बैठ के लोग खाना खाता था, इसे इन्वायरमेंट को खतरा नहीं था। साउथ में जाइएगा तो इडली डोसा सब केला के पत्ते पर बैठ के खा रहा है तो कहाँ किसी को नुकसान होता है, ये थर्मोकोल में बैठ के खा रहा है तो इससे क्या कितना नुकसान होगा, केला के पत्ते पर बैठ के इडली डोसा खा गया, साउथ में होटलों में खाता है केला के पत्ते पर तो बहुत अच्छा चीज़ है, अब है ना आप थर्मोकोल पे खा रहे हैं तो कितना नुकसान है। तो इस तरह आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है भारत सरकार, तो बहुत अच्छा काम किया है। अब ये सब आइटम सब है ना नई टाइप का आइटम नहीं कीजिए, अगर इसका इस्तेमाल कीजिएगा बनाइएगा बेचिएगा तो जुर्माना देना पड़ेगा, आपके घर से अगर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक निकला तो उस पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको 500 से लेके 5000 तक का जुर्माना देगा। कोई अगर संस्था इंस्टीट्यूशन अगर है ना कोई भी अगर संस्थान है इंस्टीट्यूशन है अगर वहाँ से अगर प्लास्टिक का कचरा निकलता है ये पाया गया कि वो प्लास्टिक का कचरा से पूरा या ना कचरा निकला है प्रदूषण फैला है तो उसको 5000 तक का जुर्माना हो सकता है, और किसी के घर से निकल गया प्लास्टिक का कचरा तो उसको भी 500 से 1000 तक का जुर्माना होगा। तो ये बहुत अच्छा बात है भारत सरकार का इसको बैन लगाया है, इसके लिए काफ़ी प्रशंसनीय कदम है भारत सरकार का, इसके लिए इसको इसीलिए भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद।